इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है काल सर्प का दंश। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज जी। यदि लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कार्यक्रम से जुड़कर अपनी जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर आ रहे हैं, आप तुरंत उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। कॉलर लेंगे, बहुत सारे प्रश्न भी है हमारे जहन में, वो भी लेंगे, लेकिन पहले कॉलर लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर ऋषि गिरी जी जुड़े हैं चेन्नई से। ऋषि गिरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरु जी से आप बात करें। नमस्ते जी। जी नमस्कार जी। जी बोले। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्कार। अपनी डिटेल बता के प्रश्न पूछे। 1950 रात 10 बजे फिर से दोहराएं। ऋषि गिरी जी एक बार फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 11/11/1950। 50 समय बताएं। 10 PM। 10 PM स्थान बता दीजिए और प्रश्न पूछें आप। हाँ जी। स्थान बताएं। 11/11/1950। जी जन्म स्थान बताइए आप। ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश पालमपेश। क्या प्रश्न, क्या समस्या ऋषि गिरी जी? मेरे को कुछ काल सर्प दोष है क्या, हेल्थ प्रॉब्लम है थोड़ा, इसलिए स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं रहता है। बिल्कुल, कुंडली के आधार पर तो आपका काल सर्प योग भी बना हुआ था जब आपका जन्म हुआ। अब यहाँ पर आपकी कुंडली के आधार पर ये बता दें, आपकी इस समय राहु की महादशा भी चल रही है। अब एक काम आपने करना है, अपने घर में नवग्रह यंत्र स्थापित करना है और साथ में वास्तु दिग्दोष नाशक यंत्र अपने घर के चौखड़ एंट्रेंस के अंदर की तरफ लगा दीजिए। अंदर की तरफ वास्तु दिग्दोष नाशक यंत्र, ईशान में नवग्रह यंत्र की स्थापना कीजिए और नियमित रूप से 17 बुधवार तक 14 रुपए की हरी सब्जी दीजिए। बहुत जल्दी आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और बहुत सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण। जी किरण जी जुड़ी हैं पंजाब से। किरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरु जी से आप बात करें। हाँ जी नमस्कार गुरु जी। कल्याण हो जी आपका। हाँ जी सर। गुरु जी मेरे, मुझे अपने अपने बेटे के बारे में पूछना है जी, बताइए उनकी डिटेल। हाँ जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/9/2002। समय स्थान बता दीजिए। मानसा मैडम जी। मानसा, मानसा पंजाब मानसा जी। समय बताइए। समय 6:09 मैडम। शाम को बताया आपने। हाँ जी शाम को मैडम जी। क्या प्रश्न, क्या समस्या किरण जी? मैडम मुझे आपके अपने बेटे के बारे में पूछना है, भविष्य के बारे में भी, पढ़ाई पढ़ाई में कैसा रहेगा। बिल्कुल, एकादशी कृष्ण पक्ष पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ, कुंडली में इनकी काल सर्प योग अवश्य था। माता के घर में राहु बैठकर संपाल काल सर्प योग बनाया हुआ था। जबकि बात करेंगे यहाँ महादशा की, तो महादशा इनकी कुंडली में अभी चल रही है शनि की। अब आपने करना क्या है, एक तो काल सर्प का यंत्र घर में स्थापित कीजिए, ये आप ईशान में स्थापित कर दीजिए। बच्चे को 5 रुद्राक्ष लीजिए, 5 मुखी वाले, किसी कांच के गिलास में डुबोइए और उसका जल पिलाना प्रारंभ कर दीजिए और उत्तर की तरफ मुख कर इसको पढ़ाइए, इसकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी जी। कहते हैं सफलता पाने का एकमात्र जरिया यह है कि आप धर्म की ओर अग्रसर हों, लेकिन आज के समय की यदि हम बात करें तो हर व्यक्ति, युवावस्था की बात कर रही हूँ, हर व्यक्ति धर्म से विमुख होता जा रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए एक बात हम कहेंगे जी, कबीर दास जी ने लिखा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। और पुत्र ने क्या लिख दिया, चलती चक्की चलने दो और पिस पिस आटा होए, और कीले पाठी जो सटे तो बाल ना बांका होए। लवली जी का कॉल लेंगे, हमारे साथ तरन तारण से जुड़ी हैं। लवली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरु जी से आप बात करें। हाँ जी जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार गुरु जी, बताइए डिटेल बताए। लवली जी बोले आप। हाँ जी हाँ जी, मैं आप अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप उनकी। 22/10/93। 22/10/91। समय स्थान बता दीजिए। 12:52 PM जी। स्थान और बताएं। तरन तारण। क्या प्रश्न है लवली जी? मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ, पढ़ाई के बारे में और इसके कारोबार के बारे में पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, आपको बताते हैं इनकी पढ़ाई के बारे में, अभी तो इनको और शिक्षा कराइए।
अभी और पढ़ाइए और पढ़ते समय इनका मुख उत्तर की तरफ तो अवश्य हो। अब यहाँ पे आपने कारोबार की पूछी है तो याद रखिए, जब भी ये कारोबार शुरू करें या जो इनका कारोबार चल रहा है, इसके उत्तर में कोई वाटरफॉल का पिक्चर लगा दें और इनका मुख उसी की तरफ हो। और नियमित रूप से एक नींबू और 7 हरी मिर्चें मंगलवार के दिन लाल डोरे में शाम को 4 बजे के बाद टांगना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी कारोबार में तरक्की होगी। हर व्यक्ति धर्म की ओर अग्रसर हो, इसके लिए क्या कुछ किया जाए? देखिए, एक आपको हम एक बात सुना देते हैं, खुदा खुद ही करता है अपने बंदे की निगरानी, नया तकिया नया मंजर नया दाना नया पानी, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो सिर्फ हमारा ठाकुर भगवान करेगा। जी ये मूल मंत्र है, अगर हम उसके साथ जाके जुड़ जाते हैं पूर्ण रूप से समर्पित समर्पण। और अच्छा हम आपको बताएं, आप बाजार से कुछ खरीद के लाते हैं, दिवाली तो बहुत अच्छे से मनाते हैं, कभी जन्माष्टमी मनाई, ठाकुर का जन्मदिन मंगाया, लक्ष्मी घर में आएगी, अकेली आएगी, उल्लू पर बैठ कर आएगी लक्ष्मी, अगर लक्ष्मी को ठाकुर के साथ बुलाएंगे तो वो गरुण पर बैठ कर आएगी, और गरुण का मतलब वेद और वेद का मतलब ज्ञान, अकेली नहीं आएगी, ज्ञान वो को आपको साथ ले ज्ञान जाए। देके जाएगी। और जिस दिन आपके अंदर ज्ञान का भंडार हो गया फिर माया आपके पीछे, ठाकुर घर में ले आओ, पत्नी तो स्वयं चली जी एक और कॉलर लेने आएगी। चाहेंगे, हमारे साथ मंजू जी जुड़ी हैं। मंजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरु जी से आप बात करें। राम राम गुरु जी। जय राम जी। हमने अपने ना बेटे के बारे में जी पूछना, जल्दी से बताइए आप डेट ऑफ बताइए। बर्थ बता दीजिए उनकी। 11 मार्च 1990। 1900 11 मार्च। समय और बताएं, 11 मार्च 1990। हाँ, टाइम दोपहर दे 11:40। 11:40 समय स्थान बता दीजिए और अमृतसर, प्रश्न पूछे अमृतसर आप। अमृतसर। क्या प्रश्न है आपका? इसकी शादी के बारे में पूछना जी, था। विवाह से जुड़ा प्रश्न है इनका। बिल्कुल बताते हैं, पूर्णमासी का यहाँ पर जन्म हुआ, शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी यहाँ पर देखने को मिली और शुक्र मंगल राहु की युक्ति भी देखने को मिलती है कुंडली के आधार पर। अब विवाह के लिए आपने अगर चिंता जताई है तो एक उपाय आपको अवश्य बताते हैं, आने वाले नवरात्रि को 9 कन्याओं को भोग दे दिए नारियल के सहित, आलता अवश्य दीजिए, बहुत जल्दी आपके घर में सेनाई बच जाएगी। जी, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए फल की इच्छा ना करो, और यही ज्ञान आज इस कार्यक्रम के जरिए गुरु जी ने हमें सिखाया। आज के इस खास कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत, अगले शुक्रवार हम फिर हाजिर होंगे आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए। गुरु जी आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। Om Namah Shivaya.